की महापौर अंजुमारा की अध्यक्षता में दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में। दरभंगा नगर निगम की यह बैठक विशेष रूप से आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व को लेकर की गई थी। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पूजा, दीपावली का त्योहार और छठ पर्व को लेकर अपनी अपनी कई महत्वपूर्ण बातों को रखा और कई प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी और कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया गया। वहीं पार्षदों ने छठ पूजा के मौके पर तालाबों, छठ घाटों की साफ सफाई की अच्छी तरह व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा की। वहीं आयोजित बैठक में पीएचईडी से संबंधित वुड को ईईएसएल की लगी हुई लाइट पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जिस वार्ड में लाइट की कमी है वहां लाइट लगाई जाए, जो खराब लाइट है उसे ठीक कराया जाए। दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 13 के पार्षद के द्वारा एक पत्र भी निगम महापौर के नाम से देने की बात सामने आई। उन्होंने इस पत्र पे लिखा है कि सामान्य बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो पाना दुखद है। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति के लिए भेजा गया था, उसे संदर्भ में पूर्ण जानकारी विवरण के साथ सदन को अवगत कराया। लेडियस राय प्राइवेट बस पर व टेम्पो पड़ाव को बंदोबस्ती पर लिए गए निर्णय की बात भी रखी गई और भी कई महत्वपूर्ण बातों से इस पत्र के द्वारा अवगत कराया गया। पब्लिक को भी समझ में आवे ना, एक लाइट को ठीक करवाने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कितना दिन लगेगा? 3 महीना सुपर हो गया लाइट, अभी तक नहीं बन पाया। लाइट तो बनता ही नहीं है, लीकेज की समस्या है। वहाँ पे नाला निर्माण किया गया है, नाला निर्माण 500 एकड़ नाला निर्माण किया गया। सरकारी इनको बोल रहे कॉन्ट्रेक्टर से मिलवा दीजिए, जो क्षति करेंगे, जो खुशी करेंगे उन्हें ही निर्माण करने का अधिकार। कॉन्ट्रेक्टर का नंबर दे दिया गया है आपको, आपके पास देखिए। जब नंबर दिया इन्होंने तो मैंने नंबर पे बात किया, नंबर पे बात किया तो उन्होंने बोला कि मेरे से श्रमिक ले लिया गया है, वो लीकेज बनाने का वो सारा चीज का लीकेज का श्रमिक मैंने दे चुका है पहले ही, वो कॉन्ट्रेक्टर था उसको बताया था। ये आदेश किया गया है कि मैं क्या करूँ इसमें, कॉन्ट्रेक्टर में काम करते हुए टोटल नुकसान किया है नाला निर्माण में, जबकि एक समर्थ में रह के काम करवाए और उसके साथ मैंने जितना भी काम करने वाला था वहाँ पे क्योंकि नाला टूटा हुआ है और नाला लगभग 20 से 25 फीट टूटा हुआ है। तो पानी नाला अगर अपने मन से चाहता तो उसमें जो भी काम करता है, एक तो आदमी का काम करता है, क्या मतलब है जहाँ जहाँ है ना, आप इनको सूची बनाए कमिश्नर सर का मीटिंग था मधुबनी में, वो गए हुए वहाँ पर, लेकिन उनके कॉन्ट्रेक्टर है मैं मौजूद, उसका सारा समस्या का जवाब हो गई है। कुछ नई लाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मेरे वार्ड में दो तरफ से दुर्गा पूजा, एक तो अपने वार्ड में होती है, एक वार्ड में 35 में दुर्गा पूजा होती है, कलश यात्रा हमारे वार्ड से होकर ही गुजरती पूरे संपूर्ण, तो उसमें चाहे जो इनको जो है कंफर्ट बनाना है अपनी जगह पर मोटर उसको करना है। बस अभी वो नहीं कहा, बहुत कुछ कहने को है फिलहाल, जो ये स्पेशल दुर्गा पूजा दीपावली छठ के लिए है उसे विशेष ध्यान दिया जाए और तालाब के संबंध में जो हमने दो बात कही, अगर ये पूरा हो जाए कम समय बहुत बड़ा काम हो गया है। तालाब नगर ने अपना बंदोबस्ती का कुछ यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर ऐसा सौंदर्य का क्यों रुका हुआ है। और एक और सबसे अहम बात सर, आपको भी बात कर लेते हैं बोलने का,
जब लोगों को एक वार्ड की पुलिस की बड़ा आवश्यकता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर है, आपका आदमी वहाँ जाकर के फोन करेगा सर लाइक करना, कौन वहाँ जाएगा? अब आदमी रखे तो कहाँ से पैसा उसको देंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे? हर एक पार्षद माननीय को एक वार्ड पुलिस की आवश्यकता है। क्या हम गलत नहीं बोल रहे हैं? पहले ही प्रावधान था, उच्च मतलब ये बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों के खाना खाते सोते उसके बाद तीन बजे आते हैं, दो बजे तक बजे पूजा ठीक है सर। हमारी तरफ से शुभकामना, हम लोगों से जो मत बन पाए की सभी माने पा वो सपोर्ट करेंगे और शांति और छोटे बच्चे का या किसी का अंगूठा नहीं लग रहा है, नाम कट गया है, वो सब का उपाय निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक 3 महीना हो चुका है, एक भी बार मैंने अपना परिवार में गई हूँ या किसी से वार्तालाप जरूरी है। लगभग 10 महीना पहले उनकी वाइफ अंचल से यहाँ कार्यालय और कार्यालय से अंचल दौड़ रही है, लेकिन उनका अभी तक उनके घर वाले को किसी को भी मिलना चाहिए वो नहीं हुआ दे रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की चेतावनी, पूर्वानुमान एवं नेपाल क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा के आलोक में जिला प्रशासन दरभंगा अलर्ट मोड में है। राजीव रोशन जिला अधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में सभी संबंधित अधिकारी लगातार सजग और सतर्क है। जिलेवासी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक के नदी के किनारे अपने बच्चों को जाने नहीं दे, नदी में स्नान करने से मना करे, जल जमाव क्षेत्रों से दूर रहे। नदियों के तटबंधों पर अधिकारियों के द्वारा दिन रात निगरानी की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि कोसी बेसिन के इलाकों में भारी बारिश होने से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के आसपास बसे निवासियों को माइकिंग आदि के द्वारा सचेत किया जा रहा है। SDRF की टीम लगातार सजग है। जिला अधिकारी राजीव रोशन आपदा से संबंधित पहलुओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ADM आपदा सलीम अख्तर और वरीय अधिकारी क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों से मिलकर स्थिति की का जायजा ले रहे हैं। किसी भी आपदा स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0627224 5055 या आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नंबर 0612-2294-204 व टोल फ्री नंबर 1070 पर तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक के संबंध में दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन ने मीडिया से बात की। इस आयोजित बैठक में बिजली विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ऊर्जा की उपलब्धता, स्मार्ट मीटर जिससे काफी लोगों की सुविधा होती है, स्मार्ट मीटर की उपयोगिता पर क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में भी बताया गया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कई फायदे के बारे में जानकारी दी गई। राजीव रोशन जिलाधिकारी दरभंगा ने अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल पारदर्शी माध्यम में काम करता है, पुराने मीटर स्मार्ट मीटर के रीडिंग में कोई अंतर नहीं आता है। स्मार्ट मीटर लगाने से नागरिकों को लाभ ही लाभ है, इसलिए इसे अपने घरों प्रतिष्ठानों में अवश्य लगाए। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई है और हमारे साथ बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी थे। बाकी ऊर्जा की उपलब्धता और बाकी बिंदु के साथ साथ चर्चा हुई है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिससे काफ़ी लोगों को सुविधा होती है, आज उस पर चर्चा हुई कि उसके क्या क्या फायदे हैं। एक तो विपत्र में 3% का उनको छूट दिया जाता है, साथ में लोग प्रतिदिन अपना कंजम्पशन जान पाते हैं। अभी और भी चर्चा हुई कि अगर मान लेते हैं कि उनका मीटर शून्य भी हो जाए तो तुरंत नहीं कटेगा, उनको SMS के माध्यम से सूचना जाएगी और उनको फिर से रिचार्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से स्मार्ट मीटर के प्रीपेड मीटर के काफ़ी फायदों के बारे में चर्चा हुई है। इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन सर लोगों का जो आरोप है कि बिल ज़्यादा आता है और इसलिए लोग परेशान हैं और लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और हाल के दिनों कुछ दिनों में इसको लेके कई तरह की बातें भी सामने आने वाली है। इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने में सेम ही जगह पे हम लोग नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों को लगा करके उसकी गणना करके हमारे इंजीनियर्स कई जगह दिखा चुके हैं और जिन लोगों को भ्रांति होगी हम लोग कलेक्ट्रेट में उसका मीटर लगा देंगे, सभी ब्लॉक कैंपस में लगवा देंगे। कोई भी आदमी आकर के डेली मीटर का रीडिंग नोट कर सकते हैं, दोनों की तुलना करेंगे और ये प्रदर्शन पूरे राज्य में कई जगह पे लोगों के बीच किया जा चुका है, उसकी वीडियो बना करके भी अपलोड किया गया है। तो कहीं से भी ये बात सत्य नहीं है स्मार्ट मीटर तेज चलता है या इसके कारण कोई कठिनाई, दोनों मीटर ऊर्जा की खपत को बराबर उसको रीड करता है और उसके कारण कोई विपत्र ज़्यादा होने की जो बात है बिल्कुल भ्रांति है और इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित करने, सिविल कोर्ट के चपरासी और क्लर्क के फॉर्म भरने के 2 साल बाद भी अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को देने, 5 साल बाद भी रेलवे एनटीपीसी की बहाली में मात्र 11,558 पदों पर ही विज्ञप्ति जारी करने, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम व समय पर नियुक्ति की गारंटी करने, रोजगार कैलेंडर जारी करने, सभी रिक्त पदों पर अविलंब विज्ञप्ति जारी करने, सभी बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने, लाखों पद खाली रहने के बावजूद रेलवे ग्रुप डी की बहाली नहीं देने, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने, लाइब्रेरियन की बहाली अविलंब करने, AIH में प्रोफेसर की बहाली के लिए नियुक्ति नहीं निकालने सहित बेरोजगारी व महंगाई से जुड़े अन्य दर्जनों मामलों को लेकर युवाओं का अपना भगत सिंह का सपना नारों के साथ इंकलाबी नौजवान सभा के देशव्यापी युवा दावेदारी मार्च के तहत दरभंगा RYA राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू कर्ण, अमरजीत पासवान, ओनम सिंह, सुनील कुमार, दीपक कुमार, सौरभ कुमार के नेतृत्व में बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल LNMU परिसर से कामरेड भोगेंद्र झा चौक, मिर्जापुर चौक, पूनम सिनेमा होते हुए भगत सिंह चौक तक मार्च निकाली गई, जहां भगत सिंह की मूर्ति पर मल्यार्पण के पश्चात युवा दावेदारी सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता संदीप कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न परीक्षा के अभ्यर्थी सुनील कुमार, दीपक कुमार, विकास कुमार ने कहा कि सरकार को रोजगार कैलेंडर जारी करना चाहिए और समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति पत्र देना चाहिए। ऐसा होने से युवा अपने उम्र के हिसाब से तैयारी करेंगे और उसे हासिल करेंगे। ओनम सिंह ने कहा कि बिहार की सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता का खून चूस रही है और दूसरी तरफ मीटर रीडिंग में लगे युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दी। युवा दावेदारी मार्च में RYA नेता अमित पासवान, आईसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, प्रिंस कर्ण, दिलीप कुमार, अनिकेत रंजन, सुफियान आजम, राजकुमार पासवान सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। आज इंकलाबी नौजवान सभा RYA संपूर्ण देश में युवा दावेदारी मार्च कर रही है। आप जानते हैं कि देश में पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और मोदी की पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में और देश भर में जो बेरोजगारी का आलम है आज देश के किसी एक जनता से नहीं छुपा हुआ है। देश के भीतर लाखों पद खाली हैं जो पहले से सेंक्शन हैं और नए पद सेंक्शन करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि पुराने पद जो खाली है उसको ख़त्म किया जा रहा है। देश में लगातार रेलवे हादसा हो रहा है, लेकिन रेलवे में लाखों पद खाली हैं, लेकिन कभी सरकार पर जब छात्र नौजवान आंदोलन करते हैं तो मुट्ठी भर रोजगार के नाम पर बहाली दे करके नौजवानों को झुंझुना थमाने की कोशिश की जाती है। बिहार में आप देखिए कि शिक्षक बहाली जब हुई जब महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि जो कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं उनसे रोजगार छीना जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण आज बिजली विभाग है। मीटर रीडिंग करने वाले जो नौजवान थे जिनको कुछ कमाई हो जाती थी मीटर रीडर के नाम पर, आज सरकार उस मीटर रीडिंग को ख़त्म कर स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ के जनता को चूसने का काम कर रही है, आज कई लूट रही है जनता को। पूरे देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में डोमिसाइल नीति के तहत 80% सीटों पर अपने राज्य के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश भर के युवाओं को रोजगार दे रहा है और बिहार के युवाओं को छाँटने का काम कर रहा है। देश में सबसे ज़्यादा महंगा शिक्षा यदि कहीं है तो वो बिहार में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप BEd ले सकते हैं,
जहां पड़ोसी राज्य में 50,000 रुपये बीएड हो रहा है, यूपी में, झारखंड में, आपके बिहार में 1.5 से 2 लाख रुपया बीएड करने में लग रहा है। तो कुल मिलाकर के देश और राज्य में जो समस्याएं हैं, महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, इस सवाल पर आज पूरे देश भर में इनकलाबी नौजवान सभा युवा दावेदारी मार्च कर रही है। और हम मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए हम जल संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन को तेज करेंगे। और युवाओं का जो सपना है, उसका जो रोजगार का सवाल है, उसका जो महंगाई का सवाल है, उस सवाल को लेकर हम मार्च कर रहे हैं। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव, हरवाई। दीपक कुमार है। आज हम सबसे सभी छात्रों के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से रोजगार संबंधित कुछ मांगों को लेकर के आज हम सभी छात्रों के द्वारा छात्र रोजगार मार्च निकाला गया है, जिसमें हम लोगों की मांगे इस प्रकार है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले एक वर्ष पहले 12,000 पद के बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पद बाहरी निकाला गया था, लेकिन उसका एग्जाम एक वर्ष होने के बाद भी एग्जाम तिथि जारी नहीं किया गया है। जबकि मेरा सवाल नीतीश कुमार से है कि बिहार का ही एक आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो एक वर्ष में 3-3 बार शिक्षक की बहाली आयोजित करवा चुकी है और तीसरी चरण की बहाली लगभग पूर्ण होने वाली है, लेकिन बिहार का ही एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो एक वर्ष में एक पीटी का एग्ज़ाम तक नहीं ले पाए हैं। दूसरी बात है कि जो अभी तक बहुत सारे पद खाली है, उसमें अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जैसे लाइब्रेरियन की बहाली है, उसमें अभी तक कई वर्षों से खाली पद है लेकिन बहाली नहीं निकाली गई है, और बिहार परिचारिका की बहाली है, उसमें भी बहुत सारे वैकेंट है, उसमें भी बहाली नहीं निकाली गई है। दूसरी बात है कि हम लोग को रोजगार कैलेंडर चाहिए, और रोजगार कैलेंडर के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, या नहीं तो कार्बन कॉपी अगर नहीं दिया जा रहा है तो एक सप्ताह के एग्ज़ाम के एक सप्ताह के भीतर छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR कॉपी अपलोड किया जाए, और साथ ही साथ जो कट ऑफ मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स भी दिया जाए और उसका आंसर की भी जारी किया जाए। नाम बता दीजिए। दीपक कुमार। दावेदारी देखिए, रोजगार अधिकार मार्च हम लोग का निकल रहा है। हम लोग का दावेदारी है कि बिहार के अंदर में जितने पद खाली है, चाहे देश के अंदर में, इसका पहले बहाली निकले, इसकी दावेदारी हम लोग कर रहे हैं। देश के बिहार के अंदर में जिस तरीके से बिहार का लोग पूरे देश के अंदर में पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, लेकिन बिहार में जब बहाली निकलती है तो दूसरे स्टेट से लोग आकर के बिहार के अंदर में नौकरी करते हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर में जितना जल्दी हो डोमिसाइल नीति लागू करके आप बहाली निकालिए कि बिहार के नौजवानों को यहाँ पर स्थित रोजगार निकले। इसी देश के अंदर में झारखंड है जो आपके बगल के पड़ोसी देश स्टेट है, उस स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है। आप देख लीजिए बहुत सारे जगह पे उस तरीके से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है देश के अंदर में। हम भी मांग करते हैं बिहार सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करें। बात है बिजली बिल, आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों का खून चूसा जा रहा है, और इसी देश के अंदर में दिल्ली है, पंजाब है, बेंगलोर है, हर एक जगह 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो इस बिहार में क्यों नहीं, नीतीश कुमार से हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, नहीं तो बिहार का नौजवान, बिहार का किसान मजदूर जग चुका है। आने वाले टाइम में आपको भी जिस तरीके से खून चूस रहे हैं, बिहार के नौजवान आपका भी खून चूस के फेंक देंगे, ये बात हम लोग कह रहे हैं। यही रोजगार अधिकार मार्च के जरिए हम लोग कहना चाह रहे हैं। नाम बता दीजिए। मयंक कुमार, आयसा जिला से। जिस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, इतने सारे रिक्त स्थान होने के बावजूद भी कहीं भी बहाली नहीं हो रही है। रेलवे में निकाला भी बहाली तो क्या झुंझुना दिखाया, एग्जाम नहीं हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, और साथ में उसके रोजगार की प्रबंध कीजिए, ताकि वो बेरोजगारी भत्ता पाने के चक्कर में जो है ना वो अपंग ना हो जाए, इसलिए समय रहते बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। नाम बता दीजिए। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देश के नौजवानों के अंदर जिस तरह से रोजगार के नाम पर गुमराह किया जा रहा है,
देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से भगत सिंह चौक तक एक रोजगार अधिकार मार्च हम निकाल रहे हैं। इस अधिकार मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार SSC इंटर स्तरीय में जिसका फॉर्म भरे हुए आज एक साल हो गया उसकी परीक्षा थी अभी तक घोषित क्यों उसका जवाब दे। सिविल कोर्ट में चपरासी और कलर का फॉर्म भरे हुए दो साल हो गया उसका अभी तक परीक्षा तिथि क्यों नहीं बिहार सरकार उसका जवाब दे। 5 साल के बाद रेलवे NTPC की बहाली आती है मात्र 11,558 सीटों पर बहाली आती है। जहां रेलवे में लाखों की संख्या में सीट खाली है वहां मात्र एक झुनझुना टाइप पर देश के नौजवानों को 11,558 बहाली दिया जाता है। हम रेल मंत्री से मांग करते हैं जब आपका लाखों सीट खाली है तो रेलवे NTPC की बहाली में आप सीट बढ़ोतरी कीजिए। दूसरी बात, आज लाखों की संख्या में सीट खाली होने के बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली क्यों नहीं आ रही है। आप देख लीजिए 2019 में रेलवे NTPC की बहाली में 35,000 बहाली आई थी, 2020 में 0, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 0, 24 में 11,558, 2019 में रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई थी उसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली नहीं दी जा रही है। हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करते हैं देश के अंदर रोजगार कैलेंडर जारी हो, तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उसके साथ साथ बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति की गारंटी कीजिए। बिहार में डोमिसाइल लागू करना होगा। आज आप देख लीजिए, आज कुछ दिन पहले की बात है, हमारे बिहार के नौजवानों को बंगाल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज बंगाल हो, UP हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, वहाँ के नौजवान बिहार में आकर नौकरी करते हैं। जब यहाँ के नौजवान बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में जाते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। काले हैं और सरकार से मांग करते हैं, हमारी जो मुख्य मांग है, नाम बताइए, राजू कर्ण हरवाई है। दरभंगा के शीशो में बन रहे बाईपास स्टेशन के ट्रेन की चपेट में आने से सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन के पास तीनों महिलाएं शौच करने गई थी। इस दौरान स्पीडी ट्रायल कर लौट रहे ट्रेन की चपेट में आने से तीनों महिलाओं की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित बाईपास स्टेशन पर स्पीडी ट्रायल किया जा रहा था। इस दौरान ट्रायल इंजन की चपेट में आने से सभी महिलाओं की मौत हो गई। ये सभी महिलाएं शौच के लिए रेलवे लाइन के पास गई थी। घटना की सूचना मिलते ही GRP, RPF सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रोड़ो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक की पहचान रामबाबू पासवान की पत्नी बबीता देवी, श्याम पासवान की पत्नी ममता देवी एवं रामलगन पासवान की पत्नी देवकी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे। उन्होंने पुलिस प्रशासन का भी विरोध किया, साथ ही कहा कि घर में यदि शौचालय होता तो ये तीनों महिला शौच के लिए घर से नहीं निकलती और इनकी मौत भी नहीं होती। ये हादसा हुआ और क्या क्या नाम है तीनों का? देखिए कैसा हमको सारू के द्वारा पता चला। मेरा घर सुभंकर पुष्पियारा टोला, ठीक सत्य स्थान के मैं रहने वाला हूँ। तो सारू बताया फोन करके से दीदी के देखे होगा से बोलू से घटना हो गए घर के पास है, ट्रेन से घटना हो गया है, टीवी कोई नहीं बचल है, टीवी समाप्त। इनका नाम है, तीनों का बताओ। तीनों के सर बबीता देवी है, पति के नाम है रामबाबू पासवान, दूसरी वाली के हुआ है ममता देवी, पति का नाम हुआ है श्याम पासवान, और तीसरा का हुआ है नाम सर देवकी देवी, और पति के नाम हुआ रामलगन पासवान। तीनों कैसे क्या हुआ है सर? कैसे क्या हुआ? हम बोल 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 हमारा मुखिया बाथरूम नहीं बनाया। अरे भाई कैसे हुआ? रेलवे का रेल हादसा हुआ है? हाँ सर रेल हादसा हुआ है। रेल हादसा हुआ है क्यों? रेलवे कट कट गया, ठीक से दीदी के देखे होगा से बोलू से घटना हो गए घर के पास है,
ट्रेन से घटना हो गया है, कोई नहीं बचल है, टीवी को मापा इनका नाम है। इसका हादसा कैसे हुआ? उसके घर में बाथरूम नहीं था, ठीक है, बाथरूम करने आई पटरी पे, ट्रेन आया, रेलवे ड्राइवर फोन पे बिजी था, तीनों को उड़ा के निकल गया। दरभंगा में एक 32 वर्षीय महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। माँ और सभी बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस महिला ने एक साथ नॉर्मल डिलीवरी से 4 बच्चों को जन्म दिया। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। माँ और बच्चे को देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के आदया हॉस्पिटल में एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से एक साथ 4 बच्चे को जन्म दिया है। महिला मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के नागदा गांव की रहने वाली है। 32 वर्षीय महिला नीलम देवी ने 10 वर्ष के बाद नॉर्मल डिलीवरी से 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़के हैं। इससे पहले 10 वर्ष पूर्व उन्होंने नॉर्मल ही एक बेटी को जन्म दिया था। अभी जच्चा बच्चा दोनों ही पूरी तरीके से स्वस्थ है। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने के बाद मरीज नीलम देवी काफी खुश है। इस संबंध में मीडिया के लोगों ने वहां की महिला चिकित्सक डॉक्टर अपराजिता से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक साथ 4 बच्चों का जन्म नॉर्मल कराना काफी मुश्किल था, क्योंकि मरीज भी रेफर्ड थी और उनकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन हमारी टीम ने यह कर दिखाया है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी से एक महिला से एक साथ 4 बच्चे का जन्म चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने इनको एग्जामिन किया, देखा इनको, तो पेशेंट की जो प्रेगनेंसी का जो डेट बोलते हैं वो करीब 36 वीक्स 5 डेज के आसपास की हो रही थी। इनके पास अल्ट्रासाउंड का एक ही रिपोर्ट था जो कि 24 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड था, उसमें बताया गया था कि 3 बच्चे हैं। फिर जब मैंने एग्जामिन करा पेशेंट को, तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद मुझे लगा कि पेशेंट शी इज इन लेबर, वो लेबर में जा चुकी है। उसको पेशेंट को किसी ने बताया था कहीं पे, उसके बाद उसने रेफरेंस दिया था जहां पे उसको बोला गया था कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा। पेशेंट का अटेंडर भी रेडी था कि ऑपरेशन कराना चाहिए, बट जो मुझे लगा, मेरे को लगा कि हम इस पेशेंट के लिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना, वो पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि ये कंडीशन हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की, हमारी जो टीम होती है, हमारी अपनी पूरी कोशिश रही कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा पाए। तो हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश की और पेशेंट ने 4 बच्चों को नॉर्मली जन्म दिया। इस बीच में हमने पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, बीपी को स्टेबल करना होता है, ये सारी हमने उसका मैनेजमेंट करा, और साथ में हमको प्लेटलेट भी पेशेंट को देना पड़ा। तो डिलीवरी के बाद 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 फीमेल थी, 2 लड़कियां थी और 2 मेल थे, यानी कि 2 लड़के थे। 2 बच्चों का वजन था, 2-2 केजी के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 1 केजी का था और चौथा बच्चा था 1.5 केजी का। सारे बच्चे जन्म के बाद बहुत अच्छे से क्राई करे, बच्चे का जो रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं वो भी नॉर्मल था, और डिलीवरी के बाद पेशेंट का भी, वो भी हमने मैनेज किया। तो अभी आज डिलीवरी के ऑलमोस्ट 2 डेज हो गया है, तो पेशेंट अभी एकदम बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप देखेंगे तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जब वो एडमिट हुई थी और आज का, तो अभी वो बहुत बेटर है, बीपी भी काफी हद तक स्टेबल हो गया है, प्लेटलेट काउंट भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति दरभंगा के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा बागमती नदी के किनारे हजारीनाथ मंदिर घाट पर स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया और सभी लोगों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता संकल्प लिया। गंगा समिति के जिला परियोजना अधिकारी फारूक इमाम के नेतृत्व में 8 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स एवं दरभंगा निगम की स्वच्छता टीम के साथ बागमती नदी के किनारे हजारीनाथ मंदिर घाट पर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए कूड़ा कचरा प्लास्टिक बोतल को घाट एवं नदी किनारे से हटाकर स्वच्छ किया गया। जिला परियोजना अधिकारी फारूक इमाम ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब लोगों को स्वयं भी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनना है एवं अपने परिवारजनों दोस्तों को भी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाना है। उपस्थित श्रद्धालुओं से भी नदी घाट को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निर्वहन करने की अपील की। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट को साफ सुथरा, स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा एवं पॉलिथीन प्रवाहित नहीं करने, जलीय
जीवों एवं वृक्षों का संरक्षण करने, घाट पर नियमित योग करके करने का संकल्प उपस्थित श्रद्धालु सहित सभी लोगों ने लिया। कार्यक्रम में नगर निगम के सहायक स्वच्छता पदाधिकारी निखिल चौरसिया, एनसीसी के हवलदार कुलदीप सिंह व हवलदार नवीन कुमार श्रेष्ठ, नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक मुकेश झा, मणिकांत ठाकुर, राम नारायण पंडित, अनिल चौपाल, एनसीसी कैडेट दीपक सुमित सहित अन्य कैडेट्स ने हिस्सा लिया।